नमस्कार, हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मैं आपको बताऊंगी कैसे कैमरे के सामने आ गई मौत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। मैं आपको बताऊंगा कैसे अलग अलग तरीके से सोने की तस्करी की जाती है। मुंबई से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यहां के रेलवे स्टेशन पर एक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई और उसके पीछे की वजह जानेंगे तो चौंक जाएंगे। रेलवे प्लेटफॉर्म पर युवक की पिटाई, बैलेंस बिगड़ने के बाद ट्रैक पर गिरा युवक, ट्रेन से कटकर युवक की मौत। मुंबई के सायन रेलवे स्टेशन से हैरत भरी तस्वीरें सामने आईं, जहां एक युवक के साथ पहले मारपीट हुई। देखिए प्लेटफॉर्म पर नीली शर्ट पहना लंबे बालों वाला यह शख्स अपनी जेब में हाथ डालकर खड़ा है। एकाएक उसने इस युवक को इतना करारा थप्पड़ मारा जिसके बाद कुछ ऐसा हो गया जिसकी अमूमन कल्पना नहीं की जा सकती। युवक का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया और वो एक झटके में पीठ के बल प्लेटफॉर्म से रेलवे ट्रैक पर जा गिरा। इतने में वहां मौजूद भीड़ दहशत में आ गई। सभी युवक को बचाने के लिए दौड़े, लेकिन ठीक उसी वक्त सामने से प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन आती हुई नजर आई। सभी ने अपनी जान बचाने के लिए पांव पीछे खींच लिए। उसने भी ट्रेन को देख लिया और वो रेलवे ट्रैक से प्लेटफॉर्म पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी सारी कोशिश बेकार चली गई। इससे पहले कि वो अपनी जान बचा पाता, ट्रेन उसे अपनी चपेट में ले चुकी थी और बाद में युवक की दर्दनाक मौत हो गई। अब आपको हादसे से पहले जो हुआ वो बताते हैं। देखिए प्लेटफॉर्म पर एक महिला छतरी के साथ दिखाई दे रही है, वहीं थप्पड़ मारने वाला शख्स उसका पति बताया जा रहा है। दोनों प्लेटफॉर्म पर चहलकदमी कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म पर कंधे पर बैग को टांगे हुए ये युवक भी खड़ा हुआ था। एक दूसरे युवक से वो टकरा जाता है जिसके बाद उसका बैलेंस बिगड़ा और उसका धक्का महिला को लग गया। इसके बाद महिला छतरी से उसकी पिटाई करने लगी, उस पर चिल्लाती है। इतने में वहीं पर खड़ा उसका पति आपा खो देता है और युवक को जोरदार तमाचा मार देता है और उसके बाद ये हादसा पेश आता है। रेलवे पुलिस के मुताबिक मृतक युवक नवी मुंबई का रहने वाला है। यह घटना 13 अगस्त की रात की बताई जा रही है। बाद में रेलवे पुलिस ने आरोपी दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया। दंपत्ति ने आरोप लगाया कि युवक ने महिला के साथ छेड़खानी की जिसके बाद गलती से हादसा हुआ। यह घटना एक बार फिर सबक दे गई, जहां आवेश के चलते एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। अगर गुस्सा शांत कर लिया जाता तो आज ये युवक जिंदा होता और दंपत्ति भी मुसीबत में नहीं पड़ते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। इधर सीमा हैदर और अंजू की लव स्टोरी सुर्खियां बटोर रही है। ऐसे में अब दीपिका नाम की महिला अपने पति और बच्चों को छोड़कर कुवैत चली गई है और वहां उसने निकाह भी कर लिया है। भारत से पाकिस्तान आई सीमा हैदर सोशल मीडिया में सुर्खियां बनी हुई हैं। वहीं राजस्थान से पाकिस्तान गई अंजू की भी सोशल मीडिया में चर्चा हो रही है। लेकिन इसी बीच सामने आई है एक और सनसनीखेज लव स्टोरी। ये कहानी है राजस्थान की रहने वाली दीपिका की। दीपिका अपने पति को छोड़कर कुवैत चली गई। देखिए दीपिका की ये तस्वीर। कुवैत जाने के बाद दीपिका की ये फोटो सामने आई जिसमें वो बुर्के में दिखाई दे रही है। यानी दीपिका ने धर्म परिवर्तन कर लिया है और इरफान के साथ निकाह कर लिया है। जिस तरह अंजू अपने पति को धोखा देकर पाकिस्तान गई थी, कुछ ऐसा ही दीपिका ने भी किया। राजस्थान के डूंगरपुर की रहने वाली दीपिका की 14 साल पहले शादी हुई थी, उसके दो बच्चे भी हैं। दीपिका ने अपने पति को बताया कि उसकी तबीयत खराब है, वो इलाज कराने गुजरात जा रही है। वो अक्सर गुजरात इलाज कराने जाया करती थी। पति ने सोचा वो लौट आएगी, लेकिन दीपिका तो अपने आशिक के साथ कुवैत जा पहुँची। मेरे को बोली कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। मैं बोला ठीक है, वो हमेशा जाती थी तो मैंने विश्वास किया जाती रहती है तो आ जाएगी शाम तक। तो मैंने बाद में शाम को फोन किया 4 बजे। वो बताया मेरे को कि मैं अभी दवाखाना पहुंची नहीं है, आज गाड़ी लेट है, बारिश है, इसकी वजह से पहुंच नहीं पाई हूँ।
हमेशा कभी एक दो बार ऐसा पहले भी हुआ है गाड़ी लेट ऐसा है। तो मैं ठीक है करके शाम को फोन करती है करके उसने फोन रख दिया। फिर शाम को मैंने बात की तो बोला है कि अभी डॉक्टर साहब नहीं आए, मेरी कुछ बात बात हुई नहीं है, मेरी रिपोर्ट कल होगी ऐसा करके उसने बताया। फिर कल रिपोर्ट रिपोर्ट की उसने, फिर बोला मैं आज शाम तक घर पहुंच जाऊंगी। फिर शाम को घर नहीं पहुंची, फिर मेरे को मेरा कॉल भी उसने फिर रिसीव करना बंद कर दिया। एक महीने तक दीपिका का कुछ पता नहीं चला और फिर अचानक सामने आई दीपिका की बुरके पहने वाली तस्वीर। दीपिका को इस तरह देखकर उसका पति हैरान है, उसे यकीन नहीं हो रहा है कि दीपिका कभी ऐसा भी कर सकती है। दीपिका के परिवार वालों को यकीन नहीं हो रहा कि दीपिका उन्हें छोड़ कर जा सकती है। दूसरे दिन सुबह मेरे को कॉल आया, उसका सामने व्हाट्सएप कॉल आया, लोकल कॉल लगा नहीं, व्हाट्सएप कॉल से उसने कॉल किया मेरे को। तो उसने मेरे को बता दिया कि मैं अभी इधर नहीं हूँ, मैं बाहर चली गई हूँ ऐसा ऐसा करके उसने आगे बताया। तो मैंने रिक्वेस्ट की उससे बहुत, तो कुछ बात मानने को तैयार दी। फिर बाद में मैं एक दिन और रहा देखी, मैं मुंबई से गांव आया, एक दिन और रहा देखी। फिर रहा देखने के बाद मेरे को फोन आया कि मैं कल तक आ जाऊँ। मैंने रहा देखी, दूसरे दिन आके मेरे को कुछ दिलासा हुआ नहीं। वहीं दीपिका के समाज के लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और एक्शन की भी मांग की है। उनका कहना है कि इमरान नाम के शख्स ने दीपिका का ब्रेन वॉश किया और उसे बहला फुसला कर उसका धर्म परिवर्तन कराया। मैंने उसके गुम होने पर गुमशुदगी दर्ज कराई, पता चला कि उसको एक मुस्लिम समाज के युवा के द्वारा उसका ब्रेन वॉश किया गया, उसका फर्जी तथ्यों के आधार पर पासपोर्ट बनाया गया और उसको विदेश ले जाया गया और वहां जाकर के उसका धर्म परिवर्तन कराया है। और किन परिस्थितियों में कराया, किन स्थितियों में वो महिला हमारी बहन वो गुजर रही है, किन परिस्थितियों में उसने उस धर्म को अंगीकार किया स्वीकार किया, वो एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्योंकि उसका फोटो वहां शादी का बुर्का पहन करके मुस्लिम समाज के जिस तरह का चरित्र की गणवेश है उसमें उसका फोटो वायरल हो रहा है, जिससे पूरा समाज पाटीदार समाज ही नहीं वरन हिंदू समाज आहत है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है और ये पता लगा रही है कि दीपिका आखिर कुवैत कैसे गई, उसके पास सही पेपर्स थे या नहीं और इमरान कौन है। सीमा हैदर और अंजू के बाद अब दीपिका की कहानी सामने आने से लोग हैरान हैं और ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एक के बाद एक धोखा देकर विदेश जाकर शादी करने के मामले क्यों सामने आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और दिल्ली एयरपोर्ट पर तस्करी की वारदात सामने आई। उज्बेकिस्तान से 50 सोने की चेन तस्करी करके लाई गई थी लेकिन कस्टम के अधिकारियों ने इसे पकड़ लिया। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एयरपोर्ट पर करोड़ों की तस्करी। कस्टम ने 50 सोने की चेन बरामद की। 15 अगस्त के दिन दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये सोने की तस्करी का मामला सामने आया। तस्वीरों में दिख रहा है कि ये चेन का जखीरा उज्बेकिस्तान से दिल्ली पहुंचा। उज्बेकिस्तान के 8 नागरिक राजधानी तशकंद से हवाई सफर करके दिल्ली के एयरपोर्ट पहुंचे। उन्होंने कस्टम अधिकारियों को चकमा देने की कोशिश की लेकिन उनकी चोरी पकड़ी गई। सोने की इन 50 चेनों का वजन 5.5 किलोग्राम बताया जा रहा है। सोने की कीमत करीब 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जब सामान की तलाशी ली गई तो कस्टम के अधिकारी भी सकपका गए। चेन सामान से ले जाने वाली ट्रे में खोखले धातु की बॉक्स में छिपी हुई मिली। बाद में सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पिछले दिनों मुंबई एयरपोर्ट पर तस्करी का हैरत अंगेज मामला देखने को मिला। दुबई की यात्रा पर निकला भारतीय शख्स अपने बैग में चाय पत्ती लेकर जा रहा था लेकिन जब सामान की तलाशी ली गई तो कस्टम अधिकारी भी हैरत में पड़ गए। उसी दौरान चाय पत्ती के पैकेट में से एक के बाद एक हीरे से भरे कई पाउच निकले और उन छोटे छोटे पाउचों से करीब 150 करोड़ के हीरे निकले।
आरोपी शख्स ने हीरो को एक चाय के पैकेट में अंदर बड़ी चालाकी से छिपाया था। आरोपी शख्स दुबई जाने वाली फ्लाइट का इंतजार कर रहा था। 9 अगस्त को मुंबई एयरपोर्ट पर वो लगेज के साथ पहुंचा था। अधिकारियों को उस पर शक हुआ और बाद में उसके सामान की तलाशी ली गई, जिसके बाद हीरा तस्करी से पर्दा उठ गया। स्कैनर में लगेज के अंदर संदिग्ध इमेज नजर आई। फिर कस्टम की टीम ने मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की जांच की तो फिर डायमंड तस्करी का पता चला। देश भर के एयरपोर्ट पर तस्करी की घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं और तस्कर नए नए तरीके आजमा रहे हैं। दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट में कस्टम अधिकारियों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की गई, लेकिन चालाकी धरी की धरी रह गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। इमरान खान जेल में है, लेकिन उनकी पत्नी बुशरा बेगम को लेकर एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। अब सामने आई है बुशरा बेगम की एक डायरी, देखिए इस डायरी के पन्नों में क्या क्या छिपा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान फिलहाल तोशखाना मामले में जेल की सजा काट रहे हैं। उनकी तीसरी पत्नी बुशरा बीवी की डायरी लीक हुई है, जिसकी चर्चा सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में हो रही है। बुशरा की डायरी जो अभी पाकिस्तान जांच एजेंसी के पास है, उसके कई पन्ने फटे हुए हैं, लेकिन जांच में पता चला है कि बुशरा का इमरान खान के खाने पीने से लेकर किसी से मिलने तक सब कंट्रोल करती थी। बुशरा बीवी इमरान खान की तीसरी पत्नी है। उन्होंने साल 2018 में इमरान खान के पीएम बनने के बाद शादी की थी। बुशरा बीवी की डायरी में इमरान खान के डाइट प्लान तक लिखे हैं। उसमें लिखा है कॉफी, शहद और जूस सुबह में पीना है, दोपहर के भोजन में कबाब, मछली और मीट के साथ विटामिन की गोलियां लेनी है। वहीं सिर्फ आधी रात को इमरान खान को दूध पीने की अनुमति है। बुशरा बीवी की डायरी से कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं, जिसकी चर्चा पाकिस्तान मीडिया में जोरों पर है। बुशरा बीवी की डायरी के सामने आने के बाद से खुलासा हुआ है कि कैसे इमरान खान की सोच और उनके व्यक्तित्व को अपने अनुसार ढालने के लिए साजिश रची थी। वहीं उनकी डायरी में पूर्व सेना अध्यक्ष बाजवा को मामू के रूप में संबोधित किया गया है। कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों पर दबाव डालने के लिए डायरी में रणनीति का भी जिक्र किया गया है। बुशरा का प्रभाव इतना बढ़ गया था कि इमरान खान को महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने से रोका जाने लगा। कोर्ट में भी वकील और इमरान खान के बीच बातचीत को कंट्रोल करने लगी। वहीं कोर्ट में भी इमरान खान को चुप रखा जाने लगा और बुशरा जानबूझकर कोर्ट में सरकार के ऐसे प्रश्नों को उछालने लगी जो सरकार के विपक्षियों को चुनौती देता हो। अब धीरे धीरे बुशरा बेगम से जुड़े कई खुलासे हो रहे हैं और आने वाले कुछ दिनों में कई और राज सामने आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी कांग्रेस में बदलाव हुआ है। अजय राय यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। ब्रजलाल खाबरी की जगह अब अजय राय को यूपी कांग्रेस की कमान सौंपी गई है। अजय राय उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं कांग्रेस के। तो उस वक्त एक बड़ा अपडेट कांग्रेसी खेमे से, यूपी कांग्रेस में बदलाव हुआ है। अजय राय को अब यूपी में कांग्रेस की कमान सौंप दी गई है। उनको नया प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। इससे पहले ब्रजलाल खाबरी इस जिम्मेदारी को संभाल रहे थे। अब उनकी जगह पर अजय राय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कमान संभालेंगे। अजय राय उत्तर प्रदेश के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो बड़ा अपडेट, 2024 से पहले कांग्रेस ने अपने संगठन में शीर्ष बदलाव किया है और बदलाव ये कि अजय राय जो हैं वो अब अध्यक्ष बनाए गए हैं कांग्रेस के। 2012 में कांग्रेस में शामिल हुए, 2012 में कांग्रेस के टिकट पर वो चुनाव जीत चुके हैं, 2014 में वाराणसी से लोकसभा का चुनाव लड़ा है और 2014 में खास बात ये पीएम मोदी के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके हैं। हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, विस्तार से बताइए आखिर कौन है अजय राय और कांग्रेस की क्या रणनीति है कि यूपी में कमान सौंपी गई है पार्टी की उनको। बिल्कुल, देखिए बनाए अजय राय विधायक हैं और काफी करीबी माने जाते हैं। एक सदावत सलाह थोड़ी थी जिनको उत्तर प्रदेश की, और इसीलिए मंथन लगातार चल रहा था और तय माना जा रहा था कि जल्दी वहां के लिए अध्यक्ष घोषणा की जाएगी। अब पहले अगर बात की तो प्रमोद तिवारी का नाम चल रहा था, तो जब उनके पास जब उनको उपनेता बना दिया गया राज्यसभा का, तो ऐसे में ये माना जाता है कि उनको ये जिम्मेवारी नहीं मिलेगी। हालांकि तो और भी नाम थे, उसमें पीएल पुनिया भी थे जिनका नाम था, ऐसे माना जाता है कि अगर अब ब्रजलाल खाबरी को चेंज करते हैं तो उनकी जगह पे पीएल पुनिया को बनाया सकता है, क्योंकि वो भी एससी हैं, दलित कम्युनिटी से आते हैं। लेकिन पार्टी चाहती थी कि आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव हैं
छह महीने के अंदर चुनाव होने वाले, ऐसा कद्दावर नेता चाहिए जिसका वर्चस्व पूर्वांचल के बड़े नेता माने जाते हैं अजय राय। कांग्रेस ने इसलिए दांव लगाया और अजय राय को वहां का प्रदेश से चुनाया। दूसरी जो सबसे अहम बात है कि वहां के प्रभारी भी बदले जाएंगे, अब इसकी घोषणा आज या कल में हो जाएगी। अभी तक उत्तर प्रदेश के प्रभार की जिम्मेवारी प्रियंका गांधी के पास थी, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी को पार्टी में बड़ा रोल मिलने वाला है और उत्तर प्रदेश में एक नया प्रभारी मिलेगा। पहले इनको तलाश थी एक मजबूत चेहरे की, ताकि पार्टी का जो जनाधार है उसको मजबूत किया जाए, और ऐसे में बताया था कि तीन नाम शॉर्टलिस्ट किए जाते जिनके नाम को चर्चा हो सकती है, जिनको अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है, जिसमें सलमान खुर्शीद का नाम था, प्रमोद तिवारी का नाम था, पीएल पुनिया का नाम था। लेकिन अजय राय चूंकि जमीनी वर्कर हैं, जमीनी कार्यकर्ता हैं, और तीनों की अगर बात करें, पीएल पुनिया हो चाहे प्रमोद तिवारी या सलमान खुर्शीद, ये नेशनल लेवल के लीडर हैं, इसलिए पार्टी ने तय किया कि अजय कुमार को जिम्मेदारी दी जाए। पूर्वांचल के बड़े चेहरे हैं, बड़ा नेता है, और उन्हें उत्तर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। जी बिल्कुल, यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष अजय राय को बनाया गया है, और इसके साथ ही रवि, अब आने वाले समय में यूपी के कांग्रेस संगठन में भी कई अहम बदलाव होने निश्चित माने जा रहे हैं, क्योंकि अजय राय जाहिर सी बात है अपनी टीम को बनाएंगे। बीजेपी पहले से इस पर काम कर चुकी है, समाजवादी पार्टी भी समय समय पर लिस्ट जारी करती रही है, और अब कांग्रेस की बारी। अब बिल्कुल देखिए, एक नई टीम का गठन होगा, पहले वहां के लिए प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे, और कांग्रेस की तरफ से प्रक्रिया भी चल रही थी, लगातार मंथन का दौर भी चल रहा था। कल राहुल गांधी और साथ साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मुलाकात हुई थी, और उसके बाद उत्तर प्रदेश को लेकर फैसला लिया गया था। आने वाले दिनों में वहां के प्रभारी को लेकर फैसला लिया जाएगा, जब प्रभारी नियुक्त कर दिए जाएंगे तो उसके बाद कांग्रेस वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रभारी मिलकर वहां की टीम का गठन करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि कई जोन में बांटा जा सकता है उत्तर प्रदेश को, और हर एक जोन के लिए बड़े नेताओं को नियुक्त किया जाएगा, क्योंकि तैयारी है और लोकसभा की 80 सीटों की तैयारी है उत्तर प्रदेश की, तो ऐसे में सब सीट पे इनको ध्यान देने की जरूरत है, और एक मजबूत और नेता की तलाश इनकी तरफ से थी। हालांकि कई बड़े नाम थे लेकिन कई लोग उस पर तैयार नहीं थे जिम्मेवारी लेने के लिए भी, और कई लोग के पास माना जाता है कि उनको राष्ट्रीय राजनीति में उनको जगह दी जाए। अजय राय को लेकर पिछले दिनों भी ऐसी चर्चा थी कि उनको जिम्मेवारी दी जा सकती है, क्योंकि वो काफी करीबी माने जाते रहे और पूर्वांचल का एक बड़ा चेहरा है। कांग्रेस इस बात को समझती है कि यूपी अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतना है तो ऐसे में एक क्षेत्र में पकड़ बहुत जरूरी है। अभी की अगर बात करें तो पूरे लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश सिर्फ एक लोकसभा की सीट कांग्रेस के पास है और दो विधानसभा की सीट कांग्रेस के पास है। ऐसे में पार्टी को मजबूत करना और वहां जमीनी कार्यकर्ताओं को खड़ा करना, हालांकि समय काफी कम है, सिर्फ छह महीने का समय रहता है, छह महीने तक का ही समय रहता है लोकसभा चुनाव के लिए, तो चुनौती बड़ी होगी अजय राय के लिए। और ये माना जा रहा है कि अगले एक से दो दिनों में वहां के लिए प्रभारी भी नियुक्त कर दिए जाएंगे, और उसके बाद जब दोनों की बैठक होगी तो जो नई टीमों से गठन कर दिया जाएगा। बिल्कुल, और आप इस पर नजर बनाए रखिए रवि, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया, और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। केमिकल्स हटाए,